स्टेटमेंट पैटर्न। पहला जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसको क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। कोई भी स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कब बोलेंगे? अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू। सारे के सारे केसेस में ट्रूथ वैल्यू क्या होने वाली है? ट्रू। इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। जब आपका फाइनल स्टेटमेंट सभी का सभी ट्रू होगा, सभी का सभी क्या होगा? ट्रू। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन है ना, दो अगर कुछ भी अगर दो स्टेटमेंट है, एक फॉल्स हो ट्रू हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता, बट जो फाइनल आंसर है वो सारे के सारे क्या हो गए? ट्रू। तब हम उसको क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। सेकेंड कॉन्ट्राडिक्शन, अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स। आपका फाइनल आंसर हमेशा फॉल्स ही होगा उस स्टेटमेंट का, क्या होगा? फॉल्स ही। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सभी की सभी ट्रू तो टोटोलॉजी, सभी की सभी फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्शन। कंटिजेंसी, स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इट इज कॉल्ड कंटिजेंसी। ऐसे कुछ स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी होता है, कोई कोई केस में ट्रू होगा, कोई कोई केस में फॉल्स होगा, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी। ठीक है, ओके, तो हमें ये पता ये रूल्स बरोबर। तो प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा ट्रूथ टेबल आपको प्रिपेयर करना है। क्या करना है? ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है पी इम्प्लीकेशन ब्रैकेट में निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे? कुछ टेबल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? टेबल। टेबल बनाने के पहले कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? पी और क्यू, दो ही स्टेटमेंट है, एक पी है और दूसरा क्यू है। ठीक है, तो कॉलम्स कितने हो गए, रो कितने हो गए, वो डिसाइड करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कितने आपके कॉलम्स बनेंगे। तो सबसे पहला पी और क्यू, दो स्टेटमेंट है तो दो कॉलम तो बनना ही है आपका। ठीक है, फिर नेगेशन पी अलग है क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू अलग होगा ना, तो नेगेशन पी का कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा, तीन कॉलम हो गया। पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पे आपको एक आंसर मिलने वाला है, तो इसका अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा और चौथा कॉलम हो गया आपका, और लास्ट में पूरे क्वेश्चन का एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, तो हो गया पाँच, पाँच कॉलम। समझा आपको ये? कितने कॉलम्स प्रिपेयर करने आपको? पाँच। पहला पी क्यू, दो स्टेटमेंट है उसका, फिर कोई निगेशन है तो निगेशन का, तीसरा फिर चौथा ब्रैकेट का, और पांचवा पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, दो स्टेटमेंट है तो आपको मिनिमम चार रो चाहिए, कितने चाहिए? चार रो। दो स्टेटमेंट है तो चार रो चाहिए। ठीक है, तो हम टेबल बनाते हैं, तो ये आपका देखो 1 2 3 4 5, फाइव कॉलम्स हो गया, और 1 2 3 4, फोर रोज हो गए, तो फाइव कॉलम्स एंड फोर रोज। ठीक है, सबसे पहला हम लोग ये डिटेल जो है क्वेश्चन की डिटेल वो सब टेबल में फिल करते हैं। सबसे पहला पी और क्यू, पी और क्यू ये दो स्टेटमेंट हो गए, उसके बाद में नेगेशन ऑफ पी बरोबर ये लिख दिया हमने, फिर जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को हम नोट करेंगे, और लास्ट में ये पूरा क्वेश्चन जो है वो हम ब्रैकेट में नोट कर देंगे। ठीक है, ये हमें क्या देगा? फाइनल आंसर, ये कॉलम हमें फाइनल आंसर देगा। ठीक है, जब भी दो स्टेटमेंट हो गए स्टूडेंट हमारे चार रो हो गए। ठीक है, अभी चार रो क्यों रह गए? हम ट्राई करेंगे स्टेटमेंट की जितने भी पॉसिबिलिटीज है ना सब कवर करने की। क्या? सब कवर करने की। तो सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले दो को ट्रू लेंगे और बाकी दो को फॉल्स ले गए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट होने पे आपको इस तरीके से फिल करना है, आपको दो स्टेटमेंट और तीन स्टेटमेंट ये इस टाइप की सम है यहाँ पे। ठीक है ना, तो दो स्टेटमेंट में पहले स्टेटमेंट में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और सेकेंड स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से हमने सारी पॉसिबिलिटी कवर कर दी, सारी पॉसिबिलिटी। इस पैटर्न में अगर आप लिखते हो तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगी, एक भी पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं। ठीक है, तो आपको हर अलग अलग केस में आंसर जो है फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझाइए तो कैसे डिटेल फिल करना है। अगर चार रो है तो पहले स्टेटमेंट की दो रो ट्रू हो गए और दो रो फॉल्स हो गए बरोबर, और दूसरे स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब निगेशन पी, पी पे फोकस करो और उसका निगेशन लिखो, पहले क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू
ट्रू, ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद में क्या करना है, निगेशन पी, डिसजंक्शन क्यू, और डिसजंक्शन का रूल क्या कहता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो आपको इसे और इसे, इन दोनों को चेक करना, बरूबर ना, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा बाकी सब ट्रू, ट्रू फॉल्स टू ट्रू। तो पहला आप फॉल्स लिख दीजिए, बाद में ये सब लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में पी इम्प्लीकेशन क्यू, यानी कि इस बार आपको ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों चेक करना है, और इम्प्लीकेशन है ना, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स है बाकी सब ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, समझा आपको ये इजी था। ये आपका ट्रूथ टेबल बनके रेडी, और कुछ करना नहीं है, आप कुछ बोला नहीं, खाली ट्रूथ टेबल बोला था बनाने, हमने बना दिए। नेक्स्ट यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ रो चार हो गए, नो डाउट, बट कॉलम्स कितने हो गए, पी और क्यू दो तो हो गए आपके, तीसरा निगेशन ऑफ पी, फिर निगेशन ऑफ क्यू, फिर एक मिनट, पहला पी और क्यू दो हो गए, निगेशन ऑफ पी तीसरा हो गया, निगेशन क्यू चौथा हो गया, बरोबर, पी निगेशन क्यू, सॉरी निगेशन क्यू चौथा हो गया, पहला ब्रैकेट पांचवा हो गया, दूसरा ब्रैकेट छठा हो गया, पूरा क्वेश्चन सातवा हो गया। तो आपको सात कॉलम बनाने, कितने कॉलम्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कॉलम्स बन गए, और क्योंकि दो स्टेटमेंट है आपको चार रोज बनाने हैं, ठीक है, तो पहले में पी, दूसरे में क्यू, फिर निगेशन पी, निगेशन क्यू, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट क्वेश्चन, समझा, अगेन दो स्टेटमेंट है यहाँ पे पी क्यू, तो पी का पहला दो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू ट्रू, बाकी दो फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये समझा आपको, ये फिक्स है, कोई भी सम करो इस तरीके के पैटर्न में आपको लिखना है, ठीक है। अब निगेशन दिया पी का, तो फोकस यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन दिया क्यू का, फोकस यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब पी निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, आपको इन दोनों को फोकस करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, अभी थोड़ा भी गलती हुआ तो गया, इन दोनों को फोकस, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, डिसजंक्शन का रूल है, तो ये फॉल्स है आपका, ये फॉल्स है, बाकी सब ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अभी ये ब्रैकेट निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इन दोनों को देखना है आपको, और साइन सिंबल कौन सा है डिसजंक्शन का, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स, ये फॉल्स है, बाकी सब ट्रू, समझा। अब क्वेश्चन में इन दोनों ब्रैकेट को देखना है, दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू कहाँ पर है, लास्ट दो, तो ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स, समझा आपको ये इजी एकदम, ठीक है। नेक्स्ट पी क्यू, पी क्यू और आर, तीन है ना, दो स्टेटमेंट था तो आपका चार कॉलम बनता था, तीन स्टेटमेंट होगा तो आपका आठ बनेगा, कितना बनेगा, आठ, ठीक है। और इसका भी पैटर्न आपको याद रखना है, बस दो स्टेटमेंट का पैटर्न कैसा होगा, तीन स्टेटमेंट का पैटर्न कैसा होगा, ये याद रख दिया तो काम खत्म। अच्छा, रो आपका आठ होगा, कॉलम कितना होगा चेक करें, पी क्यू आर, तीन तो ये हो गए कॉलम, पी निगेशन क्यू चौथा कॉलम, पहला ब्रैकेट पांचवा कॉलम, दूसरा ब्रैकेट छठा कॉलम, और पूरा क्वेश्चन सातवां कॉलम, तो यहाँ पे भी सात कॉलम बनने वाले, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कॉलम बन गए, आठ रो, ठीक है। पहले में पी क्यू आर निगेशन क्यू, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट क्वेश्चन, समझा आपको ये। अब पी का जो पैटर्न होगा ना वो कैसा होगा, पहले दो चार था तो दो ट्रू दो फॉल्स था, यहाँ पे आठ है तो चार ट्रू चार फॉल्स, चार ट्रू चार फॉल्स, समझा आपको, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। सेकेंड का दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। लास्ट का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना, ये तीन क्या बोलते हैं वैल्यूज लिखने के बाद में आपकी सारी पॉसिबिलिटी कवर हो गई,
अभी और कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं, सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमने नोट कर दी, स्टेटमेंट को हम सारे अलग अलग तरीके से हमने नोट कर दिया। अब क्या नेगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे ध्यान दो, इसका नेगेशन लिखना फटाफट, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू डन। अब दिया आपको पी कंजंक्शन आर, पी और आर पे फोकस करना है इन दोनों पे। इसका रूल क्या कंजंक्शन का, दोनों ट्रू तो ट्रू। सबसे पहले हम लोग सब ट्रू वाले को मार्क कर लेते हैं, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो ये देखो ये दोनों ट्रू है ट्रू, फिर उसके बाद में नहीं, ये दोनों ट्रू है ट्रू, फिर टाइम पे भी नहीं, तो सिर्फ पहला ट्रू और तीसरा ट्रू, बाकी सब क्या होगा फॉल्स। तो आप पहले दोनों ट्रू लिख दो फिर बाकी सब फॉल्स लिख दो, तो क्या होगा रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो रूल जो है रूल के हिसाब से पहला जो आता है वो लिख दो, लिख देने का, बाकी बाद में तो सब हमें ऑपोजिट ही लिखना है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, समझा आपको ये, मैंने तो ऑर्डर मिलेगा बट आप पहला ट्रू लिख दो बाद में सारे फॉल्स आपको लिखना रहेगा खाली, ठीक है। आगे बढ़े, पी पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, तो आपको इन दोनों को चेक करना है, इसको और इसको, करेक्ट। तो इसका रूल है दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स कहाँ पर है, पहले में है क्या, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, तो पांचवा क्या होगा फॉल्स, मार्क किया मैंने फॉल्स है वो, ये भी फॉल्स, ठीक है, और नहीं और नहीं, ठीक है, खाली दो जगह पे फॉल्स है बाकी सब जगह पे ट्रू, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे इन दोनों जगह पे फॉल्स लिख देना, बाकी सब ट्रू लिखना रहेगा, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, समझा। लास्ट डबल इम्प्लीकेशन की दो ब्रैकेट को देखना है, तो इसका रूल क्या इम्प्लीकेशन का, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, चेक करते हैं पहला ट्रू पहले में है क्या, ट्रू फॉल्स है नहीं, फॉल्स ट्रू है नहीं चलेगा, ट्रू ट्रू है नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं है पहला ट्रू बाकी फॉल्स एक भी नहीं है, तो सभी की सभी ट्रू। रूल कहता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बट ऐसा एक भी नहीं है, सभी की सभी ट्रू, समझा आपको ये। सम कंप्लीट, नेक्स्ट सम पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, कितने यहाँ पे स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है, कितने तीन, अब क्योंकि तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे आठ रोज बनेंगे, कॉलम कितने बनेंगे चेक करें, ठीक है आपने काउंट किया, मैं करूँ काउंट, देखो पहला पी दूसरा क्यू तीसरा आर चौथा निगेशन आर पांचवा ब्रैकेट छठा पूरा क्वेश्चन, छः कितने कॉलम बनेंगे, छः कॉलम और आठ रो, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः कॉलम्स हो गए और ये पिंक वाले सब आपके आठ रो, कितने रो है आठ। तो सबसे पहला पी क्यू आर निगेशन आर फिर फर्स्ट ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन, पैटर्न अभी आठ है ना, तो पहले वाले में चार ट्रू चार फॉल्स, सेकंड वाले में दो ट्रू दो फॉल्स दो ट्रू दो फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, समझा आपको ये। अभी आर का निगेशन लिखना है, क्या लिखना है आपको, एक मिनट रुको, हाँ ये रहा, अभी इसको देख ध्यान में रखना, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है हो गया। अभी किसको चेक करना है आपको, पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू पहले दो कॉलम को चेक करना है, पहले दो कॉलम में क्या दिया है, कंजंक्शन है ना, दोनों ट्रू दो ट्रू, तो पहला वाला ट्रू आएगा, उसके बाद में दूसरे में ट्रू, बाद में एक भी नहीं, तो पहला दो ट्रू बाकी सब फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। नेक्स्ट, अब ये ब्रैकेट और ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर सिर्फ आपको इम्प्लीकेशन के टाइम पे देखना है, ठीक है ना, इसमें तो आप कैसे भी देख सकते हो। डिसजंक्शन का रूल क्या है आपका, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो दोनों फॉल्स कहाँ पर, चेक करो इन दोनों में, थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में, फिफ्थ वाले में, सेवन्थ में भी है, तो जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है वो फॉल्स है, बाकी सब क्या है ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, समझे आपको ये, एकदम इजी है और ये एग्जाम में आएगा गारंटेड है ये, ठीक है ना, मैक्सिमम सब पेपर्स में ये आया हुआ ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी. टोटोलॉजी कब होगा? जब लास्ट का जो कॉलम है वो सब ट्रू होगा तब. कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा? और कंटीजेंसी कब होगा? मिक्स होगा तब. तो जो टेबल है वो बनाना ही है, लास्ट में आपको ये लिखना भी है, ठीक है? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंसी. ओके, पहला क्वेश्चन. तो कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? दो. तो दो है तो चार रो हो गए. कॉलम कितने हो गए? पी क्यू फर्स्ट ब्रैकेट बराबर, फिर ब्रैकेट का निगेशन सेकंड ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर बाद में पूरा क्वेश्चन. तो आपके पांच कॉलम बनने वाले हैं. पांच कैसे मालूम पड़ा ना? पहला पी क्यू ब्रैकेट ब्रैकेट विद निगेशन और फिर क्वेश्चन. तो यहाँ पे दो क्या बोलते हैं, दो ही स्टेटमेंट है ना, तो दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब कंजंक्शन का रूल क्या कहता है? ऐसा एक भी है क्या दोनों? पहला वाला तो ये ट्रू, बाकी सब फॉल्स. अब इसका निगेशन फॉल्स ट्रू 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 बराबर. अब लास्ट में क्या दिया यहाँ पे? क्यू को इसको इसके साथ में चेक करना है, ठीक है? क्यू को इसके साथ में चेक करना है. दोनों फॉल्स तो फॉल्स, कहाँ पर है दोनों फॉल्स? तो सभी सभी क्या हो गए? ट्रू. तो सब ट्रू लिख के हम लिखेंगे टोटोलॉजी, ठीक है? द ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम इज ट्रू, हैंस इट इज अ टोटोलॉजी, ठीक है? डन. नेक्स्ट सम कितना स्टेटमेंट है? दो, ठीक है? तो आपके चार रोज तो रहेंगे, कॉलम कितने रहेंगे? पहला पी काउंट कर लो पहला आप लोग साथ, ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बस. पहला पी, दूसरा क्यू, दो हो गए. तीसरा निगेशन पी, चौथा निगेशन क्यू, ठीक है? पांचवा फर्स्ट ब्रैकेट, छठा सेकंड ब्रैकेट, सातवां टोटल ब्रैकेट. सात कॉलम्स बनेंगे. कितने कॉलम्स बनेंगे? सात, ठीक है? ओके ओके. तो फटाफट बना देते टेबल. पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट क्वेश्चन, ठीक है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब इसका निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है? अब निगेशन क्यू मतलब ये और पी, इन दोनों को चेक करना है. और कंजंक्शन है ना, दोनों ट्रू दो ट्रू, खाली सेकंड वाले ऐसा है, तो ये ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स. ये खाली ये ट्रू, ठीक है? फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हो गया. उसके बाद में किसको कंपेयर करना है आपको? पी और उसके निगेशन को, बरोबर ना? तो क्या दिया हुआ कंजंक्शन है? दोनों ट्रू दो ट्रू, दोनों ट्रू तो एक भी नहीं है, सब फॉल्स, ठीक है? अब इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, और कंजंक्शन है दोनों ट्रू दो ट्रू, ऐसा एक भी नहीं है, सारे के सारे फॉल्स, ठीक है? हो गया आपका लास्ट कॉलम रेडी. अब क्योंकि लास्ट कॉलम सब फॉल्स है, ये क्या हो गया आपका? कॉन्ट्राडिक्शन. समझा आपको ये? ओके नेक्स्ट सम पी कंजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? दो, पी और क्यू. अच्छा दो ये तो चार रो बनेंगे. कॉलम कितने हो गए? एक, पी क्यू दो हो गए, निगेशन पी तीसरा, निगेशन क्यू चौथा, पहला ब्रैकेट पांचवा, दूसरा ब्रैकेट छठा और पूरा क्वेश्चन सातवां. सात कॉलम्स बनेंगे चार रो, ठीक है? ओके तो कॉलम डिसाइड हो गए, अपने रो डिसाइड हो गए. पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट क्वेश्चन, ठीक है? चार ही रो है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. इसका निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है? अभी इन दोनों को चेक करना है. नहीं, पी पहला वाला कॉलम और चौथा वाला रो. क्या यहाँ पे कंजंक्शन है? दोनों ट्रू दो ट्रू, खाली एक ही है यहाँ पे दोनों ट्रू, तो ये ट्रू, बाकी सब
फॉल्स फॉल्स टू फॉल्स फॉल्स, समझा आपको ये? ओके इसके बाद में दूसरा ब्रैकेट, ये दोनों लास्ट, ये दोनों चेक करना है, तो कंजंक्शन है दोनों ट्रू तो ट्रू ना, लास्ट वाला ट्रू है बाकी सब फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। अभी इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन का रूल, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, नहीं पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, सेकेंड वाला फॉल्स बाकी सब ट्रू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अभी दोनों भी यहाँ पर है, तो ये आपका कंटीजेंसी क्या होगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट इज अ कंटीजेंसी, समझा आपको ये? नेक्स्ट निगेशन पी इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, ठीक है। दो ही स्टेटमेंट है, चार रो कॉलम कितने, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, चार तो ये हो गए, तो अभी यहाँ पे क्या कितना रो बनेगा, पी क्यू छः, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू ब्रैकेट और टोटल बराबर, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कॉलम चार रो, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन बराबर, चार है खाली रो, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर पी का निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी इम्प्लीकेशन है ना, इसका इम्प्लीकेशन है पी का और निगेशन क्यू, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या देखना है आपको, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू ही है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अभी निगेशन पी, इसको और ब्रैकेट को चेक करना है बराबर, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू पहला ट्रू, यही दो में दूसरा फॉल्स नहीं है, सभी का सभी फॉल्स 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 नहीं, ट्रू 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 ट्रू, समझा आपको ये? अब क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट सब ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, टोटोलॉजी, ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज ट्रू हैंस इट इज अ टोटोलॉजी, हाँ ट्रूथ वैल्यू, ये जो लास्ट का ट्रूथ वैल्यू है, ये लास्ट कॉलम का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है कॉलम का ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, इसलिए ये क्या है, टोटोलॉजी। नेक्स्ट सम प्रूव डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, ठीक है, सिंपल सम एकदम, दो स्टेटमेंट पी और क्यू, तो चार रो कॉलम कितने हैं, पी क्यू पहला ब्रैकेट और पूरा क्वेश्चन, चार पी क्यू पहला ब्रैकेट और पूरा क्वेश्चन, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो पहला वाला ट्रू बाकी सब, इम्प्लीकेशन का रूल है पहला ट्रू होना चाहिए बाद में फॉल्स, बट आपको ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है, पहला इसका ऑर्डर देखना आपको, पहला ट्रू ये होना चाहिए बाद में फॉल्स यहाँ पे, तो पहला ट्रू बाद में फॉल्स है क्या, नहीं, ठीक है, तो सभी सभी ट्रू, ऑर्डर्स मैटर करता है यहाँ पे, ट्रू 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 ट्रू, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, गलती करते थे ये ट्रू ये फॉल्स, तो इसको फॉल्स लिख देते हैं, बट इम्प्लीकेशन के टाइम पे आपको ऑर्डर कंसिडर करना है, तो पहला इसका वैल्यू आएगा फिर बाद में इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू हैंस इट इज अ टोटोलॉजी, फिर सेकेंड पी इम्प्लीकेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, तो कितने कॉलम, दो स्टेटमेंट ये ना पी और क्यू, तो चार रो कॉलम कितने हैं, पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन, सात कितने, सात पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन, अगेन स्टार्ट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इम्प्लीकेशन ऑर्डर्स मैटर, सेकेंड वाला फॉल्स बाकी सब ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, आप बस इम्प्लीकेशन बट क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी है ना, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, तो पहला इसका देखना है बाद में इसका वैल्यू देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा बाकी सब ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। डबल इम्प्लीकेशन इन दोनों का, डबल इम्प्लीकेशन का रूल है दोनों ट्रू तो ट्रू
हाँ दोनों सेम वैल्यू, दोनों सेम में होगा तो ट्रू, सेम है दोनों भी तो ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू, हैंस इट इज अ टोटोलॉजी। यहाँ पे पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू चार हो गया, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पाँच छः और सात, सात कॉलम, कितने कॉलम दो स्टेटमेंट होने की वजह से चार रो, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन, चार रो है, नहीं नहीं चार रो तो पहला दो ट्रू बाकी दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अभी कंजंक्शन किसका बोला हुआ इन दोनों का, दोनों ट्रू तो ट्रू, लास्ट वाला ट्रू बाकी सब फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू, इम्प्लीकेशन पहला पी बाद में क्यू है ना, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेकेंड वाला फॉल्स बाकी सब ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट को चेक करना है, ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है ऐसा कोई नहीं, सभी की सभी ट्रू, ठीक है। ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू, हैंस इट इज टोटोलॉजी। नेक्स्ट पी पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू चार हो गया, पहला ब्रैकेट ठीक है, पांचवा वापस एक रिपीट कर दो एक मिनट, पी क्यू दो हो गया आपका, नेगेशन पी नेगेशन क्यू चार हो गया, ये पूरा ब्रैकेट पांचवा हो गया, ये ब्रैकेट छठा हो गया, उसका निगेशन सातवां हो गया, पूरा क्वेश्चन आठवां हो गया, तो आठ कॉलम्स रिक्वायर्ड हो गए, कितने हो गए आठ कॉलम्स। वैल्यू लिखते हैं पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट उस ब्रैकेट का निगेशन फिर क्वेश्चन, ठीक है ओके। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू फॉल्स ठीक है हो गया। ये पैटर्न फिक्स है, तो ये पैटर्न फिक्स है आपका। आगे इसका नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू इसका फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ठीक है। डिसजंक्शन है दोनों फॉल्स तो फॉल्स तो ये फॉल्स है बाकी सब ठीक है बाकी सब ट्रू। नेक्स्ट कंजंक्शन दोनों ट्रू तो ट्रू पहला वाला ट्रू बाकी सभी फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू 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 डबल इम्प्लीकेशन में आपको किसे चेक करना है इसे और इसे ठीक है ध्यान रखना है आपको दोनों सेम होगा तो ट्रू डबल इम्प्लीकेशन का रूल है दोनों सेम होगा तो ट्रू सब सेम ही है ट्रू 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 ओके। ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू हैंस इट इज टोटोलॉजी ठीक है। पी क्यू अच्छा कॉलम डिसाइड कर दो ही स्टेटमेंट है चार रो पी कॉलम कितने पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू चार हो गए पहला ब्रैकेट पाँच दूसरा ब्रैकेट छः पूरा क्वेश्चन सात पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट और क्वेश्चन पहला दो ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी दो फॉल्स थोड़ा जोर से फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी दोनों फॉल्स तो फॉल्स ना डिसजंक्शन का रूल है तो ये फॉल्स बाकी सब ट्रू 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 और ये फॉल्स। नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करना है कौन सा कनेक्टिविटी है आपका कंजंक्शन है दोनों ट्रू तो ट्रू तो ये ट्रू बाकी सब फॉल्स 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 ट्रू पूरा क्वेश्चन किससे जॉइंट है दोनों क्वेश्चन कंजंक्शन दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं है सभी सभी फॉल्स ठीक है। ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम्स आर फॉल्स हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है। नेक्स्ट पी क्यू निगेशन पी तीन हो गया पहला ब्रैकेट चार और पूरा क्वेश्चन पाँच पाँच कॉलम में रिक्वायर्ड है और रोज कितने चार क्योंकि दो ही सेंटेंस है यहाँ पे स्टेटमेंट्स है पी क्यू निगेशन पी पहला ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स
इसका नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और एक मिनट इन दोनों का हाँ पहला वाला ट्रू कंजंक्शन है ना पहला वाला ट्रू बाकी सब फॉल्स ठीक है लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या कंपेयर करना है इन दोनों को कंजंक्शन है दोनों ट्रू तो ट्रू दोनों ट्रू है क्या सभी के सभी फॉल्स ट्रूथ वैल्यू ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम्स आर फॉल्स एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है चार कॉलम पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू चार तो ये हो गए पहला ब्रैकेट पांच दूसरा ब्रैकेट छः पूरा क्वेश्चन सात सात कॉलम्स आपको बनाने हैं आपको पी नेगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अब इसका नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ठीक है यहाँ पे फॉल्स नहीं है ना ओके तो ये भी क्या आएगा फॉल्स ठीक है नेक्स्ट कंजंक्शन है ना रूल क्या कंजंक्शन का इन दोनों को कंपेयर करें दोनों ट्रू तो ट्रू पहला वाला ही है ये ट्रू बाकी सब फॉल्स नेक्स्ट नेगेशन पी डिसजंक्शन डिसजंक्शन का रूल क्या है इन दोनों को कंपेयर करना है पहला वाला ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स ये फॉल्स बाकी सब ट्रू ठीक है अभी इन दोनों को कंपेयर करना है कंजंक्शन है दोनों ट्रू तो ट्रू है नहीं सभी के सभी फॉल्स ठीक है ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम्स आर फॉल्स हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन नेक्स्ट पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन ब्रैकेट पी कंजंक्शन निगेशन क्यू ठीक है अगे पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है ना यहाँ पे तो चार रोज कॉलम कितने पी क्यू नेगेशन क्यू तीसरा हो गया पहला ब्रैकेट चौथा दूसरा ब्रैकेट पांचवा पूरा क्वेश्चन छठा तो छह कॉलम्स कितने कॉलम्स पी क्यू नेगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ठीक है नेगेशन इसी का निकालना आपको फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फिर इम्प्लीकेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू तो रूल क्या है इसका पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स सेकंड वाला फॉल्स बाकी सब ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ठीक है कंजंक्शन का रूल क्या है दोनों ट्रू तो ट्रू किसको कंपेयर करना है पी और नेगेशन क्यू इन दोनों को कंपेयर करना है बरोबर ना तो सेकंड वाला दोनों ट्रू है तो ये ट्रू बाकी सब फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स अब कंजंक्शन है किसका इन दोनों कंजंक्शन है दोनों ट्रू दो ट्रू दोनों ट्रू है कहीं पे सभी सभी फॉल्स ठीक है ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम्स आर फॉल्स हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है नेक्स्ट आपको बताना कंटीजेंसी है क्या कंटीजेंसी का रूल क्या है ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स होने चाहिए बरोबर पी कंजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू ठीक है तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे पी और क्यू तो अपने रोज हो गए चार कॉलम पी क्यू पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू चार हो गए पहला ब्रैकेट पांच दूसरा ब्रैकेट छः पूरा क्वेश्चन सात तो आपको सात कॉलम्स बनाने हो गए यहाँ पे पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन ठीक है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स पी का निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू क्यू का निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ठीक है अभी कंजंक्शन कंजंक्शन का रूल क्या है दोनों ट्रू तो ट्रू किसको कंपेयर करना है पी को और निगेशन क्यू को इन दोनों को कंपेयर करना है दोनों ट्रू तो ट्रू ये रहा ये ट्रू बाकी सब फॉल्स फॉल्स टू फॉल्स फॉल्स ठीक है नेक्स्ट निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन का रूल दोनों ट्रू तो ट्रू ये लोगों को चेक करना है लास्ट वाला दोनों ट्रू है तो ये ट्रू तो दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी सब फॉल्स ठीक है सब तीनों फॉल्स लास्ट वाला क्या होगा ट्रू नेक्स्ट आपका इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन में ऑर्डर मैटर्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स
पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स है, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम्स आर नॉट आइडेंटिकल हेंस इट इज कंटिजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, चार रो कॉलम कितने पी क्यू नेगेशन पी, तीन हो गया, पहला ब्रैकेट चौथा दूसरा ब्रैकेट पांचवा और पूरा क्वेश्चन छठा, तो छह कॉलम्स रिक्वायर्ड है, कितने छह पी क्यू नेगेशन पी पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नेगेशन पी बोला इसी का नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन में ऑर्डर मैटर्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स ये फॉल्स बाकी सब ट्रू तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू नेगेशन पी डिसजंक्शन इन दोनों कंपेयर करना है आपको इन दोनों कंपेयर करना है दोनों और डिसजंक्शन है ना दोनों फॉल्स तो फॉल्स दोनों फॉल्स कहाँ पर है ये ना दोनों फॉल्स तो फॉल्स बाकी सब ट्रू तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अभी डबल इम्प्लीकेशन रूल क्या कहता है दोनों सेम होना चाहिए तो ट्रू इन दोनों को कंपेयर करना है दोनों सेम होगा तो ट्रू पहला ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू ये भी ट्रू। ठीक है, ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम्स आर ट्रू हेंस इट इज टोटोलॉजी नॉट कंटिजेंसी। ओके नेक्स्ट पी कंजंक्शन ब्रैकेट पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज नेगेशन नहीं इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है तो रोज चार है बट कॉलम्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या होगा पी दूसरा क्यू तीसरा नेगेशन क्यू चौथा ब्रैकेट पांचवा ये पूरा बड़ा ब्रैकेट छठा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके छह कॉलम्स बनेंगे कितने कॉलम्स बनेंगे छह एक दो तीन चार पाँच छः बरोबर पी क्यू नेगेशन क्यू पहला ब्रैकेट। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट फिर पूरा क्वेश्चन अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अभी इम्प्लीकेशन में क्या मैटर करता है ऑर्डर मैटर्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इन दोनों को कंपेयर करना है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स ये फॉल्स है बाकी सब ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट को आपको क्यू से कंपेयर करना है इसको आपको क्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, और पहला ये ऑर्डर मैटर्स हाँ पहला ये ट्रू फॉल्स है नहीं ट्रू फॉल्स है हाँ है ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ट्रू फॉल्स है नहीं ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स करेक्ट रूल ये कहता है तो अगेन ट्रू फॉल्स करेक्ट। अभी आपको किसको कंपेयर करना है इसको और क्यू को ये पूरे ब्रैकेट को और क्यू को पी क्यू है क्यू है अच्छा पी एक मिनट ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया ये रहा अब पी है यहाँ पे बरोबर तो पी को कंपेयर करना है ये कंजंक्शन है दोनों के बीच में क्या है आपका कंजंक्शन और कंजंक्शन का रूल क्या कहता है दोनों ट्रू तो ट्रू पहला दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा बाकी सब फॉल्स बरोबर ट्रू फॉल्स 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 करेक्ट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम्स आर नॉट आइडेंटिकल हेंस इट इज कंटिजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है आपके पी क्यू और आर। ठीक है, तो रोज कितने हो गए आठ ठीक कॉलम्स पी क्यू आर तीन हो गए पहला ब्रैकेट चौथा दूसरा ब्रैकेट पांचवा पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन छठा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन छठा। ओके, तो हमारे छह कॉलम्स पी क्यू आर पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी कितने यहाँ पे आठ ट्रूज है तो पहले चार क्या हो गए
ट्रू, बाकी चार फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, अभी सेकंड में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, करेक्ट। अभी इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन क्यों में ऑर्डर मैटर करता है और रूल क्या कहता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, हाँ बाकी सब ट्रू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब ट्रू ना, करेक्ट। पी इम्प्लीकेशन आर, अभी इन दोनों को कंपेयर करना है पी और आर को, और ऑर्डर मैटर ना, पहला पी का देखिए कि पहले पी में ट्रू कहाँ पर है, वो चार में मिलेगा आपको, पहले चार में मालूम पड़े, बाकी सब तो फॉल्स ही है क्योंकि पहला ट्रू होना चाहिए, तो लास्ट का सब तो ट्रू ही है, आप वाली चार को कंपेयर करना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये रहा सेकंड और फोर्थ, बराबर ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, तो ये तो टिक किया मैंने, वो फॉल्स है, बाकी सब क्या है ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, हो गया। अभी आपको किसको कंपेयर करना है, इन दोनों को, और बीच में क्या आपका, बीच में आपका कंजंक्शन है, तो इसका रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, फर्स्ट ट्रू है बराबर, और यहाँ से करेक्ट, यहाँ सब ट्रू है, यहाँ से बीच के क्या है, बीच के तीन क्या है आपके फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, समझा आपको ये, ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम्स आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट इज कंटिजेंसी, ओके ठीक है। छठा क्वेश्चन, यूजिंग द ट्रूथ वैल्यू वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है, बीच में कौन सा साइन है, इक्विवेलेंट का, अब तक इक्विवेलेंट आया था क्या, नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इक्विवेलेंट आया, अभी इक्विवेलेंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग देना पड़ेगा कॉलम को, क्या बताना पड़ेगा, नंबरिंग, बिना कॉलम को नंबरिंग दिए हम इक्विवेलेंट नहीं बता सकते, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जैसे करते वैसे करेंगे, खाली ऊपर क्या होगा आपका, नंबरिंग एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबरिंग एक, ठीक है, एक रो आपको ऐड करना पड़ेगा नंबरिंग के लिए, ठीक है, तो पहला डिसाइड करते कितने कॉलम्स होंगे यहाँ पे, पहला पी बरोबर, दूसरा क्यू, तीसरा आर, तीन स्टेटमेंट है, आठ रोज आप देख सकते हो, आठ रोज है यहाँ पे, करेक्ट, तीन स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद में पूरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट बरोबर, फिर पूरा क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में पी डिजंक्शन क्यूब, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट और फिर पूरा क्वेश्चन, ऐसे दो क्वेश्चन एक साथ में लिख दिए, दो क्वेश्चन एक साथ में हमने लिख दिए, देखते पहले आठ टोटल, ऐसे आठ बने, कितने बनेंगे आठ, तो हमने कॉलम्स को कॉलम्स को नंबरिंग दे दिया, अब हम देखते सबसे पहला क्या बनेगा, पी वी क्यू फिर आर, उसके बाद में ये ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में, इक्विवेलेंट के लेफ्ट हैंड साइड में वो ब्रैकेट को आप नोट करोगे, ब्रैकेट लिख दिया, फिर पूरा क्वेश्चन इक्विवेलेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूरा क्वेश्चन नोट करोगे, उसके बाद में राइट हैंड साइड में पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट उन दोनों का कंजंक्शन है ना, तो ऐसे दो क्वेश्चंस दिए आपको, बट आपको सबको साथ में लिखना है, और हमने नंबरिंग दे दिया, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि पांचवा वाला और आठवा वाला कॉलम आइडेंटिकल है, क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब वो आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है, तो फिफ्थ और एट्थ आपका सेम आना चाहिए, ओके लेट्स स्टार्ट, पी से स्टार्ट करते हैं, पी का क्या होगा, पहला चार है ना यहाँ पे, आठ है ना टोटल, चार ट्रू और चार फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, क्यू का दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, आर का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, अब क्यू कंजंक्शन आर, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन है, तो इसका रूल क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा, बस बाकी सब फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है पी को, पी डिसजंक्शन, इन दोनों को कंपेयर करना है बरोबर,
इन दोनों को कंपेयर करना, और क्या है यहाँ पे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों दोनों फॉल्स तो फॉल्स, लास्ट का तीन है ना, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब अलग अलग है ना, तो ये तीन फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होगा, तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, करेक्ट। अभी पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अभी कंपेयर कर, दोनों फॉल्स कहाँ पर है, लास्ट का दो, तो लास्ट का दो क्या होगा आपका एफ, बाकी सब टी 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 एफ एफ, ठीक है। अब पी और आर किसको कंपेयर करना है, पी और आर, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को आपको कंपेयर करना है, बरोबर। और इसमें सिंबल कौन सा है, रूल क्या कहता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स ये रहा, लास्ट और थर्ड लास्ट, लास्ट और थर्ड लास्ट क्या आपके फॉल्स, बाकी सब ट्रू, टी 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 एफ टी एफ, समझा। अब आपको इन दोनों को, तो क्या इन दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा ट्रू, टी 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 एफ एफ एफ। अब आपको इक्विवेलेंट बताना था, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पांचवा है आपका, और राइट हैंड साइड जो है आपका आठवा है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। द एंट्रीज इन द कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दिया हुआ, इक्विवेलेंट का साइन है बीच में, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन और एक राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना के रखा हुआ है, वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेते, पहला पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट था, तो हमारे चार रोज हो गए जिसमें ट्रूथ वैल्यू आएगी, करेक्ट। कॉलम्स की बात करें तो पहला पी, फिर ये क्यू, पी और क्यू लिख दिया, फिर ये पूरा निगेशन था इसमें, हाँ निगेशन भी था, तो निगेशन क्यू लिख दिया हमने। ठीक है, जितना भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन था, लिखने के बाद में हम ब्रैकेट्स ले लेंगे, ये ब्रैकेट लिया हमने, ये ब्रैकेट लेने के बाद में हमने पूरा लेफ्ट हैंड साइड को कवर कर लिया, बरोबर। और राइट हैंड साइड को कवर करके डायरेक्टली हम लिख सकते थे, तो इस तरीके से हमने टेबल पहले से रेडी कर दिया। अब हम इसमें फिल करते हैं, आपको 5 और 6 आइडेंटिकल है ये बताना, क्या बताना है, 5 और 6 आइडेंटिकल है। तो सबसे पहला पी में क्या आएगा, दो ट्रू और दो फॉल्स, टी टी एफ एफ, और क्यू में टी एफ टी एफ, बरोबर। निगेशन क्यू एफ टी एफ टी, बरोबर, शॉर्ट में बोलो, अच्छा है, थकोगे नहीं। पी इम्प्लीकेशन क्यू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये टी एफ टी टी, ये हो गया। अब पी इम्प्लीकेशन ये ब्रैकेट, पी को इससे कंपेयर करना है, और इम्प्लीकेशन है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सेकेंड वाला पहला ट्रू दूसरा फॉल्स था, तो ये फॉल्स बाकी सब ट्रू, तो फॉल्स सॉरी टी एफ टी टी, समझा आपको ये। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट निगेशन क्यू, इसको कंपेयर करना है फोर्थ से, इन दोनों को कंपेयर करना है, बरोबर ना, करेक्ट। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन है, रूल क्या है, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, दिख रहा है आपको ट्रू फॉल्स, हाँ सेकेंड वाला ही है, तो ये फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू, टी एफ टी टी। ठीक है, अब पांचवा और छठा आइडेंटिकल है आपका, तो आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट क्या है आपका, इक्विवेलेंट है, क्या ये आपके इक्विवेलेंट। इन द अबाउट ट्रू टेबल एंट्रीज इन कॉलम 5 एंड 6 आर आइडेंटिकल, हेंस दे आर इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, और क्यू दो ही है, पी और क्यू, बरोबर। यहाँ पे दो दो आइडेंटिकल बताना, देखो अब तक एक ही था ना, यहाँ पे दो आइडेंटिकल की साइंस है यहाँ पे, करेक्ट। तो पहला पी और क्यू, ठीक है, तो दो तो हमारे ये कॉलम हो गए पी और क्यू, दूसरा क्या होगा, फिर निगेशन है, हाँ निगेशन क्यू, तीसरा हो गया
ठीक है, निगेशन तीसरा हो गया ना, फिर ये पूरा ब्रैकेट चौथा, फिर उसका निगेशन पांचवा, ठीक है, फिर क्यू का निगेशन भी निकालना था छठा, इसका इसका छठा, ये पूरा सातवा और ये आठवा। तो आपको आठ कॉलम्स रिक्वायर्ड हो, कितने हो गए आठ, ठीक है। कॉलम बना देते, नंबरिंग दे देते, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहला पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है, निगेशन क्यू, उसके बाद में पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, बरोबर। फिर पूरा लेफ्ट हैंड साइड कवर कर देंगे कवर, तो पांच वाला इम्पोर्टेंट है, इसको कंपेयर करना है आपको। फिर क्यू का निगेशन निकालना पड़ेगा आपको, निगेशन क्यू का निगेशन निकाल दिया हमने, फिर पूरा क्वेश्चन हम नोट करेंगे। तो सात वाला आपका मिल गया सेकंड सेकंड स्टेटमेंट, और लास्ट में आपका थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको 5, 7 और 8 तीनों को कंपेयर करना है, तीनों भी इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 5, 7 और 8 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पी में क्या लिखेंगे पहला, दो ट्रू फॉल्स, टी टी एफ एफ, इसमें टी एफ करेक्ट, इसमें एफ टी, इसमें इम्प्लीकेशन है ऑर्डर्स मैटर, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स है एक भी, हाँ तो ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू, एफ टी टी टी। उसके बाद में इसका निगेशन टी एफ एफ एफ, बराबर। तो पांचवा आपको मिल गया, अभी छठा क्यू का निगेशन, हाँ निगेशन क्यू का निगेशन टी एफ टी टी, सॉरी टी एफ टी एफ, करेक्ट हो गया। अब आपको पी को, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है आपको सिक्स्थ कॉलम से, कंपेयर नहीं करना है, वो दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिविटी है, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों टी होना चाहिए तो टी, तो फर्स्ट टी है, बाकी सब टी एफ एफ एफ, बरोबर। उसके बाद में पी और क्यू, इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, कंजंक्शन है दोनों ट्रू तो ट्रू, हाँ तो ये एक ही टी आएगा, बाकी सब एफ टी एफ एफ एफ, बरोबर। अब यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है 5, 7, 8 आइडेंटिकल है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। इन द अबो टेबल एंट्रीज इन कॉलम 5, 7, 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस कॉलम में हमें, इस क्वेश्चन में हमें सात कॉलम्स रिक्वायर्ड हो गए, कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हो गए सात, ठीक है, कौन कौन से, पहला पी दूसरा क्यू, दो ही स्टेटमेंट है ना पूरे क्वेश्चन में, तो आपके चार रो इसी रह गए, कितने रह गए चार रो, ठीक है, सात कॉलम कौन से हो गए, वो पहला पी दूसरा क्यू निगेशन पी, पी ब्रैकेट पहला ब्रैकेट बराबर, फिर उस ब्रैकेट का निगेशन, फिर दूसरा ब्रैकेट, ठीक है, फिर पूरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड है ना, इक्विवेलेंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला, और निगेशन पी तो है ही है, तो आपको थ्री और सेवन को इक्विवेलेंट बताना है, थ्री और सेवन को इक्विवेलेंट बताना है। तो पहला पी में क्या आएगा टी टी एफ एफ, क्यू में टी एफ टी एफ, निगेशन पी में एफ एफ टी टी, करेक्ट। उसके बाद में इन दोनों में डिसजंक्शन है ना, रूल क्या डिसजंक्शन का, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, लास्ट वाला फॉल्स, बाकी सब ट्रू, टी 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 एफ, ये हो गया। अब इसका नेगेशन एफ 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 टी, बराबर, ये हो गया। अब नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू, इन दोनों को कंपेयर करना है, और अब इसमें क्या आपका सिंबल कंजंक्शन का है ना, दोनों ट्रू तो ट्रू है क्या, हाँ ये थर्ड वाला, ये टी है, बाकी सब एफ 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 टी एफ, बरोबर। लास्ट इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, अब इसमें क्या आपका डिसजंक्शन, इसमें क्या आपका
अच्छा ये लिखा हुआ ये नहीं लिखना आपको है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है। तो इन दोनों कंपेयर करना है, बीच में आपका डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का रूल है दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ट्रू ट्रू, एफ एफ टी टी। अब आपको थर्ड और सेवेंथ को कंपेयर करना है, सेम है हाँ, तो हम बोल सकते हैं ये आइडेंटिकल है बरोबर। इन द अबो टेबल एंट्रीज इन द कॉलम 3 and 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पैटर्न आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए, पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये, क्या फर्क है इस क्वेश्चन में? पिछले स्टेटमेंट में इक्विवेलेंट का साइन दिया था, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन ना देके एंड दिया बस, ठीक है सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स है हमारे, तो आठ रोज हो गया, आठ रोज तो है ही हमारे ये, करेक्ट। कॉलम्स कितने हो गए, पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बरोबर, पहला ब्रैकेट, ये पूरा क्वेश्चन, फिर ये दो ब्रैकेट्स, फिर पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, फिफ्थ और एट इक्विवेलेंट बताना है, फिफ्थ और एट इक्विवेलेंट बताना है। अच्छा आठ है तो पी का क्या होगा, तो टी 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 एफ 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 बरोबर, पी क्यू में या दो ट्रू दो फॉल्स, तो टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, लास्ट में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ बरोबर। अब कंजंक्शन है ये क्यू और आर का, इन दोनों कंपेयर करना है, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू ये ट्रू बस, बाकी सब फॉल्स, टी एफ 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 टी एफ 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 बरोबर। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, बीच में सिंबल कौन सा है, डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, लास्ट फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स बरोबर, बाकी नहीं है ना, तो टी 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 एफ एफ एफ। अभी पी कंजंक्शन क्यों, इन दोनों कंपेयर करना है, डिसजंक्शन है ना, दोनों फॉल्स तो फॉल्स है, कहीं पे दोनों फॉल्स लास्ट के दो, बाकी सब टी है ना, टी 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 एफ एफ, ये हो गया। अब पी और आर इन दोनों कंपेयर करना है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है, सिंबल क्या बीच में, डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, चेक करो इसको और इसको, पी को और आर को चेक करो, थर्ड लास्ट और लास्ट, यानी कि ये और ये फॉल्स बरोबर, बाकी सब ट्रू, टी 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 एफ टी एफ बरोबर। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर, बीच में क्या आपका कंजंक्शन, क्या आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ तक सब ट्रू ही है, लास्ट के सब फॉल्स, तो टी 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 एफ 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 बरोबर। अब आपको किसको कंपेयर करना था, फिफ्थ को और एट्थ को, कंपेयर करो, आइडेंटिकल है, द एंट्रीज इन द कॉलम 5 and 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड सम, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन पी, कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, दो ही है ना, पी और क्यू, करेक्ट, पी और क्यू, तो चार रोज हो गए, कॉलम कितने हो गए हमारे यहाँ पे, छः हो गए। कैसे चेक करते हैं, पहला पी फिर क्यू फिर डबल इम्प्लीकेशन बरोबर, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, फिर पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट पूरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओके, ये आला नहीं लिखना था आपको, खाली इतना सा ही पार्ट लिखना था। तो आपको यहाँ पे थ्री को और सिक्स को कंपेयर करना है, ठीक है, लेट स्टार्ट। पी में क्या आएगा पहला, टी टी एफ एफ, क्यू में टी एफ टी एफ बरोबर। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम तो ट्रू, दोनों सेम, पहला वाला है ट्रू, लास्ट वाला नहीं है फॉल्स, उसके बाद वाला भी नहीं है फॉल्स, लास्ट वाला सेम है
ट्रू करेक्ट। अब पी इम्प्लीकेशन क्यू, इम्प्लीकेशन में ऑर्डर मैटर्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या होगा फॉल्स, सेकेंड वाले फॉल्स है तो टी एफ टी टी, क्यू इम्प्लीकेशन पी, उल्टा यहाँ पे पहले ये देखना है फिर ये ट्रू ये फॉल्स, तीसरा वाला फॉल्स, बाकी सब ट्रू, टी एफ सॉरी टी टी एफ टी बराबर। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और बीच में साइन कौन सा है, कंजंक्शन रूल क्या है उसका, दोनों ट्रू तो ट्रू, पहला वाला ट्रू है और लास्ट वाला भी ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स, तो टी एफ एफ टी। अब आपको थर्ड को और सिक्स को कंपेयर करना है, सेम है तो द इन द अबो स्टेटमेंट एंट्रीज इन कॉलम थ्री एंड सिक्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, समझा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी एंड निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे आपके, तीन बरोबर ना, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ऐसे तो तीन है, तीन स्टेटमेंट को आपको इक्विवेलेंट बताना है और यहाँ पे स्टेटमेंट कितने पी और क्यू, दो ही है ना ऐसे तो पी और क्यू, तो आपके रोज कितने हो गए चार, कितने हो गए चार, कॉलम पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, एक दो तीन, कितना हुआ चार पाँच छः सात, सात सात कॉलम, ठीक है, पहला पी क्यू पी निगेशन क्यू, फिर ये वाला बराबर इसे लिख दिया, फिर इसे लिख दिया हमने सेकेंड वाला, फिर लास्ट वाले को लिख दिया, करेक्ट। आपको फाइव सिक्स सेवन को इक्विवेलेंट बताना, फाइव सिक्स सेवन क्या आना चाहिए सेम, तो पहले दो ही स्टेटमेंट है तो क्या आएगा टी टी एफ एफ, क्यू का टी एफ टी एफ, निगेशन ऑफ पी एफ एफ टी टी, निगेशन ऑफ क्यू आना चाहिए यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू एफ टी करेक्ट। पी इम्प्लीकेशन क्यू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, टी एफ टी टी, निगेशन क्यू ये रहा और निगेशन पी, आपको ऐसे कंपेयर करना है पहला क्यू को फिर बाद में पी को, तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स बराबर, बाकी सब ट्रू, टी एफ टी टी, अब निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, यहाँ पे आप कैसे भी करोगे फर्क नहीं पड़ता, बट क्या रूल है दोनों फॉल्स तो फॉल्स, निगेशन पी और डिसजंक्शन क्यू है ना, तो ये वाला दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू, टी एफ टी टी। इन द अबो टेबल एंट्रीज इन द कॉलम फाइव सिक्स सेवन आर आइडेंटिकल, देयरफॉर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। लास्ट सम यहाँ पे दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बताना है और आपके स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स कितने पी और क्यू, दो ही है ना, तो चार रो रह गए, कॉलम कितने हो गए पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, चार तो ये हो गए, ब्रैकेट पांचवा पूरा ब्रैकेट पूरा ये छठा सातवा, सात कितने सात, पहला पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, फिर पहला ब्रैकेट फिर उसका निगेशन फिर लास्ट वाला है ना ये क्वेश्चन, देन अभी दो स्टेटमेंट है तो क्या आएगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, इसका निगेशन पी एफ एफ टी टी, इसका निगेशन एफ टी एफ टी बराबर। कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू, दोनों ट्रू तो ट्रू, पहला वाला ट्रू दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं, बाकी सब फॉल्स बराबर, टी एफ एफ एफ, फिर इसका निगेशन एफ टी टी टी, अब निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इन दोनों का इन दोनों के बीच में क्या है डिसजंक्शन रूल, क्या डिसजंक्शन का दोनों एफ तो एफ, पहला वाला एफ बाकी सब टी बराबर, तो कॉलम सिक्स और सेवन आइडेंटिकल है इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ आपके ये इक्विवेलेंट बराबर। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है। अब 1.7 1.8 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है।